जो गरीबों का हक मार रहे हैं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। अब सिस्टम बदल गया है, अब एक रुपए की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। ये मामला सिर्फ मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं, और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। क्या सीएम है, खुद के मंत्री को किया बर्खास्त, रिश्वतखोरों से कहा कि क्या करोगे इतना पैसा, कफन पे जेब नहीं होती। क्या सीएम है, पंजाब की जनता ने जो सरकार सोची थी वो सरकार बन गई। चुनाव से पहले पार्टियां जो वादे करते हैं इसको तो पूरे होते देखना किसी सपने से कम नहीं। जनता को देश के मौजूदा हालात जनता के लिए किसी बददुआ से कम नहीं। जात धर्म के साथ साथ महंगाई और इस पर सोने पे सुहागा, रिश्वतखोरी का बाजार शेयर मार्केट से भी ज़्यादा उछाल में चल रहा है। इन हालात में जब एक राज्य का सीएम ही रिश्वत के इल्ज़ाम में खुद के पार्टी के मंत्री को बर्खास्त करता है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया पंजाब के सीएम भगवंत मान ने। देश के राज्यों में सरकारें टेंडर्स के लिए, खासकर कर्नाटक का सरकार नंबर वन पर है, जहां 40% कमीशन के चलते ठेकेदार ने खुदकुशी तक कर ली। केजरीवाल के बाद अपने ही हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ 1% कमीशन के आरोप पर स्टिंग ऑपरेशन करके सच्चाई सामने लाकर मंत्री के गुनाह कबूलने के बाद कैबिनेट दर्जे की मिनिस्ट्री से बर्खास्त करके इतिहास रचने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि साफ सुथरी और ईमानदार सरकार देने के लिए किसी भी तरह का किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री अधिकारी या असरदार लोगों से कहा कि सुधर जाओ, हीरे मोती सोना चांदी इतना पैसा कमा कर क्या करोगे, जबकि कफन में जेब भी नहीं होता, कहा सीएम ने। नमस्कार जी, मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैं पंजाब में चुनाव प्रचार करता था, गांव-गांव जाता था, कस्बों में जाता था, तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उम्मीद देखता था। लोगों की आंखों में एक उम्मीद मुझे नज़र आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें भ्रष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा। जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया तब भी मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भगवंत जो मर्जी हो जाए हमने भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना। मैंने उनको वचन दिया था कि एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अपने हों हेरा फेरी करने वाले, चाहे बेगाने हों। इसी सिलसिले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीदो फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था, तो मैंने उसको गंभीरता से लिया। ये मामला सिर्फ मेरे पास ही है, मीडिया के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं चाहता तो इसको दबा सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझ पर यकीन किया, तो मैं अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उसके भी खिलाफ होता, और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जो कि सेहत मंत्री पंजाब में कैबिनेट में थे। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है, चाहे आप अफसर हो, चाहे पंजाब में किसी राजनीतिक पद पर हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, अब सिस्टम बदल गया है,
अब एक रुपए की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी। हम 1% लोगों का 1% पैसा भी बचाएंगे, लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे। और ये इतिहास में दूसरी बार हो रहा है, 75 साल इतिहास हो गया देश का, आजादी के बाद 75 साल हो गए, ये दूसरी बार हो रहा है इतिहास में। पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर को 5-6 लाख रुपया ऑडियो पर मांगते हुए, उसी ऑडियो को सुनकर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और केस सीबीआई को दिया। और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है। कुछ विपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि जी देखो, 2 महीने में ही भगवंत मान की सरकार में एक करप्ट मंत्री पकड़ा गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उस पर एक्शन भी मैं ही ले रहा हूँ। इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों ने ये कबूल किया था कि मेरे मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हुए हैं और करप्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये धारणा है कि ये करप्शन का ताना बाना बहुत बड़ा है, ये टूट नहीं पाएगा, ये करप्शन ऐसे ही चलती रहेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर नीयत सच्ची हो सब कुछ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जैसे भारत मां के सपूत हों, जिन्होंने पार्टी ही एंटी करप्शन मूवमेंट से निकलकर बनाई, और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हों, तो ये देश बदल सकता है। भगत सिंह जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी आज़ादी कैसे आएगी, उनको चिंता ये थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं फिर तो नहीं लूट मचेगी। लेकिन हम भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं, इसी सिलसिले में हमने ये एक्शन लिया है। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारियों को जो देश को लूट रहे हैं, जो गरीबों का हक मार रहे हैं, कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो करप्शन फ्री कंट्री बनाना अरविंद केजरीवाल जी का सपना है, और देश को आगे बढ़ाना उनके सभी हजारों लाखों की गिनती में सिपाहियों का सपना है। इनकलाब जिंदाबाद। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।